Assalamualaikum everyone, welcome to our learner academy. Today lecture perception. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है perception पे. perception क्या होती है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम चीज़ों को कैसे कैसे परसीव करते हैं ये सारी चीज़ें हम इसी लेसन में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि perception the process of selecting, organization and interpreting stimulus. It include identification, recognition and image of stimulus is question. Previous experience have a role of play in it. यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ कि perception होता क्या है. perception हमारा इदराक होता है. हम ये नहीं कि आप देख सकते हैं ना कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमें रोज़ भरोज़ किसी ना किसी चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जनरल होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होती हैं. हम इन चीज़ों के बारे में जब बेहतर तौर पर जान जाते हैं, वकूफ़ हासिल कर लेते हैं, या कोई उनको कोग्निशन, यानी कि कोग्निशन का मतलब होता है ना कि इल्म हासिल करना, तो हम जब उनके बारे में इल्म हासिल कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो हमारा परसेप्शन कहलाता है. तो परसेप्शन के बारे में हम एक तो डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. इनके एक मार्गन था, तो मार्गन के मुताबिक जो था उसका कहना था कि जो अदराक है या ये परसेप्शन है, ये पहचानने, फ़र्क करने, मुशाहदा करने और चीज़ों को मानी चीज़ों के मानी को समझने या उनको नाम देने का नाम है परसेप्शन. ठीक है, देखिए अब हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी आँख उस चीज़ को देखती है, हमारा कान उस चीज़ को सुनता है, तो वो सीधा हमारे दिमाग तक वो पैगाम को पहुँचा देते हैं, जैसा कि हमने पीछे ही आज दो लेसन में पढ़ चुके हैं. तो आँख और कान, जब हमारे आँख कान ये चीज़ें हमारे दिमाग तक जब कोई बाहर से इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैसेज लेके हमारे दिमाग को ब्रेन तक ले जाती हैं, तो ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है भाई ये फलां चीज़ है, तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है ये हमारा परसेप्शन कहलाता है. ये चीज़ें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें अपने मामा बाबा से देख के, यानी कि वो हमारा एक एक्सपीरियंस हो रहा होता है ना कि भाई ये ऐसी शेप होगी तो ये ग्लास ही होगा, ये है तो ये प्लेट ही होगी, मतलब इस तरह हमें चीज़ों का अक्सर पता होता है. हालाँ हमें कोई बताता नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होता है क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ, हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपने मामा बाबा को इनको ये नाम देते हुए, इस वजह से हमने भी वही नाम दे दिया. मतलब हम अपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी उसको उसी तरह परसीव कर लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन वुड बी डैट ऑफ ए कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग. इसमें नंबर वन पे आ जाता है एक्विजिशंस, और उसके बाद नंबर टू इंटरप्रेशन, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन डैट इन्वॉल्व्स पास्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज ए न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस डैट अफेक्ट रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रेशन. उसके बाद हम देखते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का परसेप्शन के साथ बहुत गहरा तल्लुक था, बहुत ही गहरा तल्लुक था. यानी कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक वाहद साइकोलॉजी था जिसने कहा था, वाहद स्कूल ऑफ थॉट था जिसने ये कहा था कि एज अ होल चीज़ों को परसीव करें, कंप्लीट मुकम्मल उनके किसी भी चीज़ को परसीव करना है तो मुकम्मल करें, चाहे वो इंसान है, जानवर है या कुछ भी है, उसको कम्प्लीटली एज अ होल परसीव करें. तो इधर जैसा आप लोगों को मैंने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ पीछे के स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म इनका और बिहेवियरिज्म, जैसे बिहेवियरिज्म का था कि जस्ट उनके बिहेवियर को हम देखते थे और को परसीव करते थे, देन उसको इंटरप्रेट करके हम जो भी हमारा रिजल्ट आता था हम कर लेते थे. और उसके बाद जैसे स्ट्रक्चरलिज्म जस्ट अनकॉन्शियस पे वो फोकस करते थे, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ होल परसीव करते थे. इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो है मैक्स वर्थाइमर एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने फाइव फेनोमना का कंसेप्ट दिया था. फाइव फेनोमना का कंसेप्ट यूं है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ पे लाइटिंग हुई होती है
तो जब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि दो लाइटें एक साथ होती हैं, और जब एक लाइट जल रही होती है दूसरी बंद होती है, दूसरी बंद होती है तो तीसरी चल रही होती है, इस तरह से वो कुछ सीन होता है। तो हम वहाँ पे ये परसीव करते हैं कि शायद ये जो लाइट है ये मूव ऑन कर रही है, लाइट हरकत कर रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा परसीव करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, हम उसको इस तरह से परसीव कर लेते हैं। उसके बाद जो था फिगर एंड ग्राउंड, फिगर एंड ग्राउंड की बात की गई है आपकी बुक में, एक पिक दिखाई गई है। तो उस पिक में अगर उस पिक को अगर हम परसीव करें तो हम दो तरीके से परसीव कर सकते हैं उसमें। एक तो वेज बना हुआ है, मतलब एक गुलदान है, और या तो हम उसमें पिक में से गुलदान को परसीव करेंगे, उसको गौर से देखेंगे, जो बिल्कुल वाइट 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 कलर वाला है ना, सिर्फ उस पर फोकस करेंगे तो हमें वेस नज़र आएगा, एक गुलदान नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर हम ब्लैक कलर पे फोकस करेंगे तो हमें दो चेहरे नज़र आएंगे। ये चीज़ है कि हम किस तरह से परसीव करते हैं। अगर तो हम सेंटर में से परसीव करना चाहते हैं तो फिर अपने माहौल, अपने सारे माहौल की चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ एक ही चीज़ पर अपनी सारी तवज्जो लगा देते हैं, ये हमारा फिगर कहलाता है। और ग्राउंड जो बाकी का सारा होता है वो हमारा ग्राउंड कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं गेस्टाल लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने गेस्टाल साइकोलॉजी ने कुछ लॉ दिए थे कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, वो चार पांच लॉ हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। द लॉ ऑफ क्लेयर्स, तो ये जो लॉ है इसमें होता है कि करीब करीब चीज़ें होती हैं तो हम उनको परसीव कर लेते हैं। भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें जो चीज़ें करीब करीब हैं, हम कहेंगे तीन चीज़ों का ग्रो जो है ना, तीन डब्बे या तीन खाने जो भी है वो एक साइड पे हैं, तीन एक साइड पे हैं और दो एक साइड पे हैं, एक एक साइड, मतलब हम इस तरह से एक ग्रुप की शक्ल में और उसको जो करीब करीब होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इस तरह से चीज़ें परसीव करते हैं। तो इसमें ये आ जाता है कि जैसे ज़राफ़ा जो है, या एलिफेंट लगा लें, कैट लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसकी पिक बनी हुई है, लेकिन वो उसकी पिक बनी हुई है उसमें अभी कलर नहीं हुए हुए, और वो जो है बारीक बारीक कट लाइनिंग में जो वो होती है ना पेंटिंग, वो वाली पेंटिंग है, हालांकि वो कट है अंदर से, थोड़ी लाइन बनी, थोड़ी शेप बनी हुई, आगे से कट है, फिर थोड़ी शेप बनी, आगे से कट है, ये इस तरह की है, लेकिन फिर भी हम उसको एक कैट के तौर पे ही परसीव कर रहे हैं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि ये कैट की ही पिक है, तो इस वजह से हम उसको प्रॉपर जो है वो परसीव कर लेते हैं। जिस भी अधूरी आधी अधूरी पिक को हम देख के परसीव कर लें कि भाई ये फलां चीज़ी है, जैसे एक एलिफेंट है उसको एक साइड से हम देखते हैं तो हमें तो दो टांगे ही नज़र आती हैं, लेकिन हमें वैसे हमारा एक्सपीरियंस है, हम जू गए हुए हैं, देखा हुआ है सब कुछ, तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे माइंड में कोई भी हमें पूछेगा तो हम किसी को यही बोलेंगे ना कि भाई चार टांगे हैं उसकी, तो लेकिन हमें जो नज़र आ रही हैं वो तो सिर्फ दो हैं। तो ये चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेज डैट आइटम विच आर क्लोज टूगेदर इन स्पेस आर टाइम टेन टू बी परसीव्ड एज बिलोंगिंग टूगेदर आर फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मतलब इसमें भी जो क्लोज चीज़ें होती हैं, जो टुगेदर होती हैं और एक टाइम में हमें शो हो रही होती हैं, उनको हम इकट्ठा परसीव कर लेते हैं। ये आपकी बुक में पिक्स भी बनी हुई हैं, आप पिक्स को देख के जब ये चीज़ करेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी। लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी कहाँ गया, लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी में ये होता है व्हेन टेंट वी टेंट टू ग्रुप द स्टिमुलस इन टू स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न आर पार्ट्स, यानी कि जो एक कॉन्टिन्यू होता है एक पार्ट्स या कोई पैटर्न, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ हो तो हम उसको उसके अंदर लाइनें खुद से ही अपने जेन से ही लाइनिंग लाइनिंग यानी कि बना लेते हैं। कोई आप देख लें कि कोई डिब्बा वगैरह पड़ा हुआ है, कोई डिब्बा नहीं बल्कि कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ लाइनिंग भी हैं, मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उसमें से खुद से अपने जहन से ही एक ना लाइनिंग खींच देंगे, भाई ये लाइन जो है ये इस तरह से चीज़ें हैं, हम इस तरह को लाइनिंग के जरिए कुछ चीज़ें परसीव कर लेते हैं।
तो वो लाइनिंग्स की मतलब इस तरह से वो कॉन्टिग्यूटी कहलाएगा। और उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी में होता है कि जो चीज़ सेम सेम चीज़ें होती हैं उसको हम सेम सेम परसीव करेंगे। मतलब हमें अगर कुछ रेड ब्लू और ग्रीन कलर्स के कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं तो हम उनको कलर के हिसाब से या कुछ इस तरह से मतलब जिनके कलर्स सेम होंगे या जिनकी शेप सेम होगी या जिनका साइज़ सेम होगा हम उस तरह से परसीव करेंगे। अगर साइज़ की बात करें तो हम कहेंगे 20 किलोग्राम की इतनी चीज़ें थी वहाँ पे और 10 किलोग्राम की इस तरह, मतलब हम अलग अलग से ग्रुप बना लेते हैं उनकी शेप के हिसाब से या फिर साइज़ के हिसाब से या कुछ भी इस तरह से। और उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉमन फैक्ट, इट इज़ द टेंडेंसी टू ग्रुप टुगेदर टू ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट डैट मूव टुगेदर एंड सेम टू मूव टुगेदर एंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वैन वैन दे आर बींग सेन इन एक्चुअल मोशंस ह्यूमन विल मेंटली ग्रुप्स दैम एज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा पूरा ग्रुप। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑफ्टन विल फ्लॉक ऑफ ब्रिंग एंड बर्ड्स एंड कैटल्स एंड उसके बाद बॉयज आर गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर इन वन ग्रुप, इनके हम चीज़ों को परसीव कर लेंगे कि ये ग्रुप में कौन कौन चीज़ें हैं, ये बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, जो भी है इस चीज़ को, क्योंकि ये पहले से हमारा वो बना हुआ है। ला ऑफ क्लोयर्स, ला ऑफ एंड क्लोयर्स कॉन्टिग्यूटी, इसमें ये होता है कि जो चीज़ें सेम सेम होती हैं और करीब करीब होती हैं, जो चीज़ें दो तीन सेम होंगी और करीब होंगी हम उसको परसीव कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं फीचर एनालाइज, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज शेप पैटर्न ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय अटेंडिंग टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स मेकिंग इट अप। इनके यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम शेप पैटर्न ऑब्जेक्ट या किसी भी साइज़ वगैरह के उसके पे हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं उसी के लिहाज से। और उसके बाद इसकी जो समरी है वो ये है, स्टिमुलस आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंपाउंड पार्ट, दीज पार्ट्स आर डेट कंपेयर्स टू डाटा स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, हमारी मेमोरी में जो डाटा स्टोर हो चुका होता है, इन आर्डर टू फाइंड ए मैच, उनको हम मैच करने की कोशिश करते हैं या मैच करते हैं। दिस स्टिमुलस इज आइडेंटिफाइड डैट रिकॉग्नाइज वन ए मेथड ऑफ फाउंड, कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है टॉप डाउन एंड बॉटम की, टॉप डाउन प्रोसेसिंग रेफर टू दी प्रोसीजरल फेनोमना गाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय, इनके हम कुछ चीज़ों से गाइड, किसी फेनोमना से गाइड लेते हैं और ये कोई प्रोसीजर, मतलब हमारा नॉलेज जो होता है उसके जरिए चीज़ों को परसीव कर लेते हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस के जरिए चीज़ों को वो कर लेते हैं, परसीव करते हैं। मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशन, इन किन चीज़ों की बुनियाद पर हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं कि कोई चीज़ फलां किस तरह की थी और ये शेप है तो हम इसको क्या चीज़ बताएंगे, ये चीज़ आएगी। और उसके बाद बॉटम अप प्रोसेसिंग रेफर टू दी प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज एंड द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कंपाउंड पार्ट ऑफ द स्टिमुलस, ह्यूमन विल बी अनएबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट कंपाउंड अनलेस दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द शेप एंड फीचर ऑफ, मतलब इस सब ने यही बताया है कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करेंगे और इनके हम किन चीज़ों की बुनियाद पर चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की बुनियाद पर इस तरह, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको लेसन की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट में पूछ सकते हैं आप, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।